हेलो एवरी वन एंड अगरी वेलकम टू शिक्षा गाइज तो गाइज हेयर वी आर विद लेक् थ्री फॉर एम सी क्यूज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड जैसे कि मैंने आपको बताया हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इन लेक्चर्स के अंदर एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दीज आर आप ए का एग्जाम दे रहे हो या आप एपीएफसी का एग्जाम दे रहे हो ये दोनों एग्जाम्स की नीड के लिए uh, को फुलफिल करता है एंड काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं विद सोलूशन और राइट सो इट विल भी वेरी इंपॉर्टेंट इन सारे लेक्चर्स को देखें अभी तक ट्वेंटी थर्ड लेक्चर है ये तो सबको देखें अल्टीमेटली तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसके अंदर जो है वो मिलेगा

C 3 is is Lord Lord Harding and 4 is Lord Irwin. Okay चलो तो easy question है बहुत ज्यादा देखो मुश्किल question ये नहीं है अगर एक serious aspirant है तो ये चारों governor general या viceroy रॉय जो हैं काफी famous रहे हैं इनका जो टेन्यर रहा है उनमें कुछ ना कुछ important incidents हुए हैं ठीक है जैसे Lord Curzon के time पर यूनिवर्सिटीज एक्ट आया या फिर जो आपका आ, पार्टिशन ऑफ बंगाल जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था वो किस दिन के टाइम पर हुआ ओके okay, uh, के टाइम पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक आया था लॉर्ड इरविन के टाइम पर गांधी इरविन पैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम ओके okay, तो सारे गवर्नर जनरल्स के टाइम पर के टाइम पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं so, सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए इट इज वन थ्री टू फोर वन थ्री टू फोर विल बी द राइट आंसर सबसे पहले आपके लॉर्ड कर्जन आएंगे उसके बाद आपके लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर आपकी जो कैपिटल है वो कोलकाता से पहले बंगाल कैपिटल होती थी कलकत्ता कैपिटल होती थी उससे दिल्ली शिफ्ट किया गया था 1911 में तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर किया गया था सो वन थ्री

एंड लॉर्ड इरविन थे आपके 1926 से 1931 तो ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा गवर्नर जनरल का ऑर्डर अच्छे से याद होना चाहिए आपको आपको वॉइस वॉइस रॉयस रॉयस का ऑर्डर क्वेश्चन उस पे पूछे जा सकते हैं के लिए तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उनका जो भी टेन्योर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं कौन से गवर्नर जनरल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई हैं वो आपको हिस्टोरिकल जो जो भी थे वो आपको सब याद रखने हैं अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया झांसी सांबलपुर सतारा आपको अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी इन विच वर एनेक्स्ट एनेक्स्ट ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एनेक्सेशन किया कब्जा किया वो आपको अरेंज करना है पहले किसका हुआ बाद में किसका हुआ और लास्ट में किसका हुआ झांसी सांबलपुर और सतारा और ये तीनों वो हैं प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनको एनेक्स किया गया था अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो प्रोविजन था तीनों को उसके अंदर ही एनेक्स uh, uh, किया गया था तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पहले आपका सतारा हुआ था उसके बाद सांबलपुर एंड लास्ट में आपका झांसी हुआ था ओके सो बेसिकली ये फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन था जो लॉर्ड ढलौजी के टाइम पर हुआ क्योंकि उसके बाद तो फिर रिवोल्ट ही हो गया ना और वन ऑफ द रीजन था डॉक्टर ऑफ लैप्स रिवोल्ट होने का 1848 से 56 के पीरियड में ये नेक्स्ट हुए हैं ऑफ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी समझाया है बेसिकली uh, में क्या था कि कोई भी इंडियन रूलर हु डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स एडॉप्टेड सन्स को यहाँ पर नहीं कंसिडर किया जाएगा तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर एक इंडियन रूलर है जो राजा है अभी अगर उसका खुद का कोई वारिस नहीं होता उसका ब्लड रिलेशन होना चाहिए उससे ठीक है उसका ट्रू ब्लड होना चाहिए अगर वो नहीं है तो एडोप्टेड सन को आप राजा नहीं बना सकते और उसके बाद फिर उसका किंगडम जो है वो खत्म हो जाएगा और वो टेरिटरी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगी ओके okay, वो कंपनी की टेरिटरी बन जाएगी एंड इसके अंदर वेरियस एनएक्सेशन हुए जैसे सतारा को एनेक्स किया गया 1848 में सांबलपुर को 1850 में उदयपुर को एटीन में नागपुर को एटीन में और झांसी को एटीन में ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब फॉर एग्जांपल मैं एक और यहां पर आपको एक सैंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन पूछ ले विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम वाज नॉट एनेक्स्ट अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि इनमें से किसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर एनेक्स नहीं किया गया था यह क्वेश्चन है ऑप्शन ए सतारा बी उदयपुर सी नागपुर डी अवध अब देखो अभी तो आपको बड़ा आसान ही क्वेश्चन लग रहा होगा क्योंकि ऊपर आपके पास स्टेटमेंट है लेकिन पेपर के अंदर ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आपको लग रहा है डी होगा अवध का भी एनेक्सेशन हुआ था 1856 के अंदर लेकिन इसको अवध को एनेक्स किया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस रूल ठीक है यहां पर डॉक्टर नहीं था मिस रूल का चक्कर था ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोधी ठीक है थर्ड बैटल में अहमद शाह और इब्राहिम लोधी मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका होमवर्क भी दिया था काफी बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया उसमें टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मायसूर वॉर ऑप्शन थ्री मीर जाफर एंटर्ड इन अ कॉन्सपिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब ऑफ सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली था ठीक है एक पार्टी अहमद शाह अब्दाली थी और अहमद शाह अब्दाली के सामने कौन थे मराठास थे मराठास को हराया था इब्राहिम लोधी नहीं था इब्राहिम लोधी तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में था ना जहां पर बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था ठीक है इब्राहिम लोधी वॉज इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में था ये ठीक है तो इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपने इसे करेक्ट पूछा है तो तो ऑप्शन ए अपना गया टीपू सुल्तान इन थर्ड एंग्लो वॉर चार एंग्लो माइसोर वॉर हुए ठीक है और टीपू सुल्तान जो है वो चौथे एंग्लो माइसोर वॉर में उसकी डेथ हुई थी ना कि तीसरे ठीक है तीसरे में तो आपकी ट्रीटी ऑफ श्रिंगापट्टनम हुई थी तो चौथे में डेथ हुई थी तो दूसरा स्टेटमेंट भी खत्म तो टू एंड थ्री भी गया थर्ड स्टेटमेंट देखो मीर जाफर ने इंग्लिश लोगों के साथ मिलकर के के की थी बैटल बैटल ऑफ ऑफ टाइम पर और बैटल प्लासे में बंगाल में कौन था नवाब सिराजुद्दौला तो इसके सारे फैक्ट्स ठीक आपका आंसर जो है यहां पर ऑप्शन बी होने वाला है थ्री ओनली ओके ऑल राइट सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में अगर हम देखें सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली या जिसको अहमद शाह दुरानी भी बोला जाता है जो बेसिकली नदीर शाह का इलेक्ट्रिक सक्सेसर था आफ, तो 1747 में नदीर शाह की डेथ हो गई और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान इतना पसंद आया कि ये बहुत बार हिंदुस्तान में इन्वेजन करने आया 1748 से 67 तक बहुत इन्वेजन मुगल्स को ये कम, उनके साथ तो खेलता था ये मुगल्स के साथ तो एंड अल्टीमेटली uh, मुगल्स ने कोशिश करी कि यार इस बंदे के साथ हम थोड़ा पीस में आ जाते हैं नहीं तो ये हमें चैन से जीने नहीं देगा क्योंकि मुगल जो थे उस टाइम के इतने स्ट्रांग रूलर्स नहीं थे

इसको मीर बख्शी बना दिया उसने मुगल एम्पायर का ठीक है बेसिकली एक तरीके से ही अब्दाली का एजेंट था जो भी मुगल एम्पायर में होगा वो सारी खबर अब्दाली को देगा 1758 के अंदर क्या हुआ जब मराठास बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे तो नजीब उद्दौला को उन्होंने कहा दिल्ली से भाग तो यहां से ठीक है रघुनाथ राव मराठा चीफ थे उन्होंने उसको पंजाब को भी कैप्चर कर लिया और नजीब उद्दौला को भी भगा दिया अब अहमद शाह अब्दाली तक जब ये बात पहुंचे कह रहा इतनी बेस्ती ठीक है इतना बेज्जत करेंगे हमें तो सेवनटीन में उठा चल मैं मराठा को नहीं छोड़ूंगा उनसे आपकी सारी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की कहानी बैटल ऑफ प्लासे आप जानते हो बैटल ऑफ प्लासे लड़ा गया 1757 में और ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ थे हमारे सिराजुद्दौला ओके सो बैटल ऑफ प्लासे टेरिटोरियल फाउंडेशन है ना ब्रिटिश रूल की इंडिया में वो इस बैटल के बाद हुई इस बैटल के बाद ब्रिटेन टेरिटरी एक्वायर करना शुरू कर देगा अब ये जो लड़ाई थी अंग्रेजों के बस की थी नहीं जीतनी ठीक है तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन लोगों में से थी जो ये नहीं मानते थे कि बस तलवार उठा करके मैदान में चले जाओ और लड़ने बैठ जाओ ये कहते थे मैदान में जाने से पहले बहुत सारी तैयारी करनी होती है जैसे हम आपको बोलते हैं ना एग्जाम में जाने से पहले तैयारी करनी होती है वैसे ये भी मैदान में जाने से पहले तैयारी करते थे और इन्होंने नवाब के ही लोगों में ढूंढे ऐसे लोग जो नवाब को धोखा देने के लिए तैयार बैठे थे उनमें सबसे ऊपर नाम था मीर जाफर का मीर जाफर उस टाइम पर एक तरीके से लगा लो चीफ ऑफ आर्मी था सिराजुद्दौला का सिराजुद्दौला के बाद बहुत बड़ी सेना थी लेकिन फिर भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गया रॉबर्ट क्लाइव से हार गया क्यों क्योंकि लड़ाई के टाइम पर जो अगर आपका आर्मी चीफ ही बिका हुआ है तो आपकी फौज क्या लड़ेगी तो वही चीज सिराजुद्दौला के साथ हुई मीर जाफर के अलावा राज दुर्लभ जगत सेठ जो बंगाल का एक बहुत बड़ा बैंकर था ओमी चंद इन सब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लिया और इनकी पूरी पूरी कोशिश थी सिराजुद्दौला को हरा दिया जाए मीर जाफर को तो यह लालच दे दिया गया था कि भाई सिराजुद्दौला को हटाते ही हम तुझे नवाब बना देंगे तो वो तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवाना हो गया था एंड अल्टीमेटली बैटल ऑफ प्लासेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया

कानपुर में नाना साहेब लीड कर रहे थे लखनऊ में बेगम हजरत महल बरेली में खान बहादुर बिहार में कुंवर सिंह फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बागपत में शामल। ये एज इट इज लिस्ट आपको याद होनी चाहिए जैसे उसने कुंवर सिंह का पूछ लिया वैसे ही वो बाकियों का भी पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है ठीक है है बेटा इस का, 1857? इनमें से से कौन सी territory से नहीं हुई? अभी हमने देखा ना झांसी जगदीशपुर जगदीशपुर बेसिकली बिहार वाला रीजन जहां पे कुंवर सिंह थे और लखनऊ ये तो किसी ना किसी लीडर के अंदर रिवोल्ट में थे ही चित्तौड़ नहीं था तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है चित्तौड़ चित्तौड़ वॉज नॉट इफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ एटीन ठीक है में है लेकिन पीडीएफ के लिए सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट कि आप जो कॉम्बो कोर्स है ना उसका सब्सक्रिप्शन लो ठीक है चलिए एंड कॉम्बो कोर्स के अंदर जाने से पहले बता दूं यूपीएससी कोड यूज करोगे तो 50% परसेंट ऑफ भी आपको मिलेगा right, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय